नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच आया हूं करतार कोचिंग की तरफ से मैथ्स पढ़ाने। मैथ्स दुनिया का सबसे आसान पेपर, मैथ्स सबसे आसान पेपर मैथ्स होता है, लेकिन सबसे आसान होने के बावजूद भी लोग मैथ्स में ही फंसते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सर, क्योंकि जितना ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा आपका मैथ्स। और मैथ्स अच्छा होने के लिए आपको क्या है कि रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको टॉपिक बाय टॉपिक, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। लेकिन ये मैथ्स किस लिए, मैथ्स पढ़ के क्या होगा? मैथ्स हम लोग जो तैयारी करेंगे मैथ्स पढ़ने की, वो जनरल कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करेंगे। जनरल कंपटीशन का मतलब हो गया बैंक, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, सीडीएस, सीपीएफ, सीपीओ, इन सारे एग्जामिनेशन में आपका मैथ्स पूछा जाता है। मैथ्स कौन सा मैथ्स? जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो वही मैथ्स पढ़ना है, बस पढ़ने का तरीका क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे। और ये मैथ्स आपको करतार कोचिंग की तरफ से पढ़ाया जा रहा है। करतार कोचिंग मखनिया कुआं में है, मखनिया कुआं पटना बिहार, ठीक है, बिहार में पटना, पटना मखनिया कुआं, मखनिया कुआं पीएमसीएच के ठीक सामने आपका करतार कोचिंग है। तो इसमें हम लोग आके मैथ्स पढ़ सकते हैं। मैथ्स बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा नाम आप लोग जान लें, मेरा नाम आशुतोष और मैं आशुतोष सर मैथ्स पढ़ाता हूं जनरल कंपटीशन के लिए। जनरल कंपटीशन यानी कि बैंक, रेलवे और एसएससी। बैंक, रेलवे और एसएससी के एग्जामिनेशन में जनरल कंपटीशन के लिए हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैथ्स, मैथ्स क्या है? फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि आप लोग जान चुके हैं, पहले ही मैंने बताया, एसएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, बैंक, रेलवे। इसके अलावा सीडीएस, सीपीओ, सीपीएफ, एयरफोर्स, नॉन टेक, नेवी, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है। बिहार पुलिस, स्टेट पुलिस का जितना भी एग्जामिनेशन होता है सब में मैथ्स पूछा जाता है जनरल कंपटीशन का, और वो 10th लेवल का मैथ्स होता है। केवल पढ़ने का तरीका जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टेक्निक हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आगे आते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोग बेसिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे, कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे कैलकुलेशन आसान करते हैं। कैलकुलेशन आसान करने में आपको कौन कौन मदद करेगा? स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, मल्टीप्लाई, क्यूब रूट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे जो है टॉपिक्स आपकी मदद करेंगे कैलकुलेशन को फास्ट करने में। और बाकी जो आप जो बचपन में पढ़े हैं उसी का अप्लाई होता है, लेकिन साथ में ये अगर ऐड हो जाता है तो हमारा मैथ्स बेहतर होता चला जाता है। तो यही मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कैलकुलेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग नंबर बेस्ड, ऑप्शन बेस्ड, रैकरिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट प्लेस, रिमाइंडर, टेस्ट ऑब्जिलिटी और एलसीएम एसीएम, ये लेसन टू है। लेसन वन बेसिक कैलकुलेशन, लेसन टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये हम लोग पढ़ेंगे जो कि इसमें आप लोग नंबर बेस्ड, ऑप्शन बेस्ड, रैकरिंग, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके लिए जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थमैटिक। ये अर्थमैटिक ऐसा सेक्शन है सर, जनरल ये जो बेसिक कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम और अर्थमैटिक, ये ऐसा पार्ट है जो कोई भी बच्चा हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे स्टेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे सेंट्रल की तैयारी कर रहा हो, सारे एग्जामिनेशन में इतना टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना हर हाल में। तो सबसे पहले आता है रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात, समानुपात। उसके बाद आता है एज, आयु संबंधी प्रश्न। उसके बाद एलिगेशन, मिक्सचर यानी मिश्रण, एवरेज, औसत, पार्टनरशिप, साझेदारी, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, समय काम, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, बोट एंड स्ट्रीम, नौधारा, ये जितना टॉपिक है ये सबको पढ़ना है। ये जितना है, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जो कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो इतना सेक्शन सबको पढ़ना होता है। इस टॉपिक को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ाएंगे। लेसन वन, लेसन टू, लेसन थ्री, लेसन फोर, ये सब सारे सेक्शन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक सबको पढ़ना है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं बैंकिंग का सिलेबस, यहां से डिफर हो जाता है थोड़ा सा। अर्थमेटिक तो बैंक वालों को भी पढ़ना है, एसएससी वालों को भी पढ़ना है, रेलवे वाले को भी पढ़ना है, लेकिन यहां से बैंकिंग का पैटर्न अलग हो जाता है। इसमें हम लोग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, संचय, क्रमचय, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता,
डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ा व्याख्या, इसमें पाई चार्ट, वृत्तालेख, बार लाइन, दंडालेख, आयचित्र, लाइन ग्राफ, संचय बारंबारता वक्र, टेबुलेशन, पैसेज, इनइक्वालिटी, असमानता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आसपास का वैल्यू निकालना, सीरीज, श्रृंखला, डाटा सफिशिएंसी, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये बैंक के एग्जाम में आते हैं। तो बैंक के एग्जामिनेशन के लिए जो ये जो सेक्शन है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का होता है। बैंक के एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का होता है, जिसमें पाई चार्ट, बार लाइन, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन और पैसेज, ये सारे सेक्शन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे सेक्शन आपको पढ़ने हैं, जिसमें जो है ये 15 से 20 नंबर का आपका एग्जाम में आता है। कितने नंबर का आता है? 15 से 20 नंबर। उसके बाद इनइक्वालिटी 5 नंबर, अप्रोक्स वैल्यू 5 नंबर, सीरीज 5 नंबर, डाटा सफिशिएंसी 5 नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ये 3 से 5 नंबर। इतना ज्यादा रोल है सर इसका, इतना ज्यादा रोल है। तो ये सारे चीज हम लोग को पढ़ना है बैंकिंग के लिए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए 15 से 20 नंबर डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा रोल है, 3 से 5 नंबर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटी, अप्रोक्स वैल्यू, सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपके लिए है सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस मैथ। एडवांस मैथ जो कि जनरली एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, एसएससी के एग्जामिनेशन में एडवांस मैथ आपका पूछा जाता है, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, एरिया, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, ये सारे चीज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये सारे हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग बात जो कर रहे हैं, बात समझिए कि अलजेब्रा में क्या है। अलजेब्रा जो है आपका 3 से 5 नंबर का पूछा जाता है, ट्रिगो 3, मेंसुरेशन 3, जिसमें से एरिया और वॉल्यूम दोनों मिला के 6 हो जाएगा ना, उसके बाद 3 ज्योमेट्री, 1 कोऑर्डिनेट, 1 हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक पढ़ना है। 3 से 5, 3, 6, 3, 5, ये कोऑर्डिनेट नंबर, ये 50% रोल प्ले करता है एसएससी में। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का 50% रोल एडवांस मैथ प्ले करता है। अर्थमेटिक की बात तो कर लिए, अब एडवांस मैथ की बात करते हैं। एडवांस मैथ जो है आपका 50% रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आता है तो 25 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक है तो एडवांस मैथ कितना है? 13। अगर ये 13 है तो ये कितना है? 12। तो मान के चलिए सर कि एडवांस मैथ का भी रोल बहुत ज्यादा है। ये पूरे एसएससी के एग्जामिनेशन में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एसएससी का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम दोगे तब भी एडवांस मैथ का बहुत ज्यादा रोल है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये धीरे धीरे समय बदलने के साथ इसका यूज बढ़ता जा रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो तो यहां तक तो हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लिए। अब इस सिलेबस के बारे में हम लोग जो देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखिएगा, हम स्टार्टिंग में आपको क्या बताए थे कि हम आपको जो पढ़ाएंगे सबसे पहले वो क्या पढ़ाएंगे, यहां पे हम आपको बताए थे स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना। ये चीज, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना, इसको हम लोग कैसे आसानी से पढ़ेंगे, यही चीज हम लोग पढ़ेंगे यहां। इसमें टेक्निक सिखाएंगे सर कि कैसे हम लोग कम समय में स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं। केवल आप प्रयास कीजिएगा, केवल प्रयास कीजिएगा देखने का, केवल धीरे धीरे करके देखते जाइएगा तो रिजल्ट 100% होना है सर। हम शुरू से अंत तक, एकदम जीरो से एकदम लास्ट तक, टॉप तक एकदम पहुंचाएंगे, बॉटम से टॉप तक बिल्कुल आपको पहुंचाएंगे। केवल आपको बने रहना है, केवल आपको जुड़े रहना है। तो ये सारे सेक्शन जो है, ये टॉपिक्स देख लो कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, 4 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है, ये तो टॉपिक की बात हो गई। अब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग स्क्वायर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग? स्क्वायर कैसे स्क्वायर हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। किसमें? स्क्वायर में। स्क्वायर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से बना पाएंगे। क्लियर? स्क्वायर पढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम लोग पे नंबर पे कमांड होना बहुत जरूरी है। डिजिट 1 से लेकर 1000 तक, 2000 तक, 3000 तक, 4000 तक, सारे नंबर्स पे हमको कमांड होना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर
स्क्वायर आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, तो ये छोटा सा सर एक बहुत छोटा सा पॉइंट है कि कैसे हम लोग स्क्वायर इसका बना सकते हैं। तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 33 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो लेकिन इसका हम एक शॉर्टकट बताएंगे जिसके आधार पे आप लोग आराम से इसको बना पाएंगे 33 का स्क्वायर। देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 चार लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें जो है हम लोग चार लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए कितने लाइन ड्रॉ करेंगे, चार लाइन। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर क्या होगा 09, 09 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इससे एक कम 8 और इससे एक ज्यादा 1, तो 1089। क्लियर, 3 का स्क्वायर 09, इससे एक कम और इससे एक ज्यादा। चलिए तो अब ध्यान दीजिए 333 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 09। इसके पहले कितना डेट है, 3, तो एक कम यानी कि दो दो डेट दोनों साइड लिखेंगे। इससे एक कम 8, इससे एक कम 8, इससे एक ज्यादा और एक ज्यादा, ये आपका आंसर रहा। समझ में आया सर? फिर से देखो, फिर से बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग फिर से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा कैसे हम लोग इसको बना पाएंगे। देखिए सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09। कितना डिजिट है, इससे दो डिजिट है, तो इससे एक कम, इससे एक कम दोनों साइड लिखेंगे। 9 से 1 कम 8 और 0 से 1 ज्यादा 1, आपका आंसर हो गया। क्या बहुत आसानी से नहीं बना पाया? इसी तरह से देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, छोटू 09, कितना डिजिट है 3, तो एक कम दोनों साइड लिखना है, 3 डिजिट है ना, तो 1 कम यानी दो दो डिजिट लिखेंगे। 9 से 1 कम क्या होगा 8, 9 से 1 कम क्या होगा 8, इससे एक ज्यादा क्या होगा 1, ये रहा आपका आंसर। क्या इस बात को समझ गए? तो कुछ नहीं है सर, केवल समझने का प्रयास करोगे आप डायरेक्ट आंसर देते चले जाओगे। क्लियर, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, ये डायरेक्ट बनाने वाला है सर। देखिए सेम है, क्या इसको आप लोग बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? सेम क्वेश्चन है, इसको बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? सेम पैटर्न, देखो कैसे बनाते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर 09, कितने डिजिट है 4, तो 3 डिजिट लेंगे। कितने डिजिट है 4, तो 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। 9 से 1 कम 8, 8, 8, इससे एक ज्यादा 1, 1, 1, क्या आंसर दे लिए? कुछ नहीं है सर, बहुत आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं। अब आगे का तुम बताओ कि इसको बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, कितने डिजिट है 5, तो 4 डिजिट चाहिए हमको, 5 है ना, तो 4 चाहिए। 9 से 1 कम 8, 8, 8, 8, इससे एक ज्यादा 1, 1, 1, 1, क्या सर आंसर बन गया? तो क्या इतना लंबा कैलकुलेशन कर पाओगे? तो एक टेक्निक बताए छोटा सा कि कैसे हम 333 का स्क्वायर 333 का स्क्वायर कैसे आराम से बना सकते। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम 3 का जब सीख लिए तो आप कहिएगा सर 6 का बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 6 भी आपसे बन सकता है, बहुत आसानी से 6 का भी आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, हम बता रहे हैं कि कैसे 6 का स्क्वायर बना सकते हो। देखो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, कितना डिजिट है 2, तो 1 कम 2 डिजिट है ना, तो 1 कम दोनों साइड लिख दिए, तो 6 से 1 कम 5, 3 से 1 ज्यादा 4, क्या आंसर दे लिए कि नहीं दे लिए? दे लिए ना, तो अगला क्वेश्चन भी आप लोग बना पाओगे। बताओ अगला क्वेश्चन भी बनेगा, बताओ 666 का स्क्वायर, बोलो बनेगा? तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, बताओ, बोल भाई 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, कितना डिजिट है 3, तो 1 कम 1 कम 2 2 ले लिए दोनों साइड, 6 से 1 कम 5, 1 कम 5, 1 ज्यादा 1 ज्यादा, क्या आंसर दे लिए?
तो सर जब ये बना सकते हो तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद वाला भी आप बना सकते हो, इसके बाद वाला भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद वाला बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखो। देखिए चार छह ना, तो छह का स्क्वायर क्या होगा 36। कितना डिजिट है बताओ? चार। अगर चार डिजिट है तो हम चार डिजिट तो लेंगे नहीं, कितना डिजिट लेंगे? एक कम, यानी तीन डिजिट। इससे कम पांच, पांच पांच, इससे एक ज्यादा चार, चार चार, क्या बन गया? बोलो छह का स्क्वायर 36। कितना डिजिट है? कितना डिजिट है बताओ? पांच। पांच है तो चार ना लेंगे, एक दो तीन चार, पांच है तो चार ना लेंगे, एक दो तीन चार, बोल भाई। छह से कम पांच, पांच पांच पांच, इससे एक ज्यादा चार, चार चार, और एक और ना चार। तो जितने डिजिट है, अगर पांच डिजिट है तो एक कम लेके यानी चार प्लस लिखेंगे, और पांच डिजिट है चार प्लस लिखेंगे, इससे एक कम, एक कम, एक कम, एक कम, एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, क्या बन गया? तो क्या तीन बना सकते हो, छह बना सकते हो? तो आप बोलेंगे सर नौ भी तो हम बना पाएंगे। तो तीन छह नौ, तीनों बनेगा, एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, नौ भी आप बना सकते हो। देखो नौ हम बना के दिखाते हैं। नौ का स्क्वायर कैसे बनाओगे? देखो नौ का स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान देने की जरूरत है। नौ का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 81। कितने डिजिट है? दो, तो एक कम लेना है ना, तो एक से एक कम क्या होगा? जीरो, और एक ज्यादा क्या होगा? नौ। बोलो बाबू नौ का स्क्वायर क्या होगा? 81। कितने डिजिट है? कितने डिजिट है बताओ? तीन, तो एक कम, एक कम, एक कम, इससे एक कम जीरो, एक कम, एक ज्यादा, एक ज्यादा, क्या आंसर दे लिए? तो इस तरह से हम लोग करके आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल था तीन छह नौ का। आप बोलिएगा सर डिफरेंट डिफरेंट डिजिट होगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई, केवल समझने का प्रयास करो, धीरे 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 सब होता चला जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मिलते हैं। ओहो सेम आ गया, तो ये तो आप लोग बना सकते हो ना, बताओ ये बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो नौ का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 81। चार डिजिट है ना तो तीन चाहिए, चार है ना तो तीन चाहिए, एक कम, एक कम, एक कम, एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा। नौ का स्क्वायर क्या होगा? 81। कितने डिजिट है बताओ? कितने डिजिट है? पांच, तो चार चाहिए ना, चार चाहिए ना, इससे एक कम, एक कम, एक कम, एक कम, एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, क्या आप लोग आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे? तो क्या इतना कैलकुलेशन कर पाना पॉसिबल है? नहीं। तो ये तीन छह नौ का एक पैटर्न हो गया, वो पैटर्न हमारे दिमाग में सेट कर गया कि अगर तीन का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, नौ का स्क्वायर निकालना है तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी तीन हो, चाहे कितना भी नौ हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट अब स्क्वायर हम लोग सीखेंगे। बहुत बेहतरीन, ये सब टेक्निकल है सर, इसको बनाने के लिए हम सिखा रहे हैं आपको कैसे हम लोग बना सकते हैं। देखो 67 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। कितना पीस 6 है बताओ? बताओ कितना पीस 6 है? एक पीस, तो एक 45 इसके बीच में लिख दो, आपका काम हो जाएगा। बोलिए 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। बताओ कितना 6 है? दो ना, तो 2 48 लिख दीजिए, एक 48 और एक और 48, चलिए आपका आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन तरीका है। 7 का स्क्वायर 49, 2 6 है तो एक 48, एक 48, 2 48 करके बन गया। चलिए नेक्स्ट की स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इसी पैटर्न का है, तुम बता दोगे, बोल भाई बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? हाँ या नहीं तुम बताना, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? बोलो फटाक से, बन जाएगा ना। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 49। कितने 6 हैं? 3, तो 3 बार 48 लिख दो, बन गया। तो हम लोग ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है सर, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसका यूज हम लोग को आता है। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। बताओ कितने 6 हैं? 4, तो 4 बार 48 लिख दीजिए, एक 48, 2 48, 3 48 और एक 4 48, चलिए
तो क्या इतना लंबा कैलकुलेशन कर पाते हैं? नहीं। तो ये टेक्निक दी है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप बोल रहे सर कि फिक्स डिजिट के लिए लागू कर रहे हैं, नहीं सर, हम आपको ऐसा भी टेक्निक सिखाएंगे जो किसी भी डिजिट के लिए लागू होगा, लेकिन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, केवल बने रहने की जरूरत है। आप सोच रहे हैं कि सर इतने में हो गया, नहीं, यहां से तो स्टार्ट हुआ है सर, ये तो बेस है, यहां से धीरे 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 आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो चले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलो, ये जो है, ये जो टेक्निक बताएंगे ये सारे डिजिट पे लागू होगा। ये जो हम टेक्निक आपको डिस्कस करेंगे, ये जितने भी डिजिट है वो सारे डिजिट पे लागू होंगे। बचपन में हम लोग पढ़े थे ए और बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर पढ़े थे। अब याद होगा आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर। हमको प्लस माइनस की यहां जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको मानिए ए, इसको मानिए बी। तो चलिए, तीन का स्क्वायर नौ, तीन दुना छह, दुगना करिए, तीन दुना छह दुगना करिए बारह, और दो का स्क्वायर चार है एक, पांच बन गया। फिर से देखो, सबसे पहले तीन का स्क्वायर ए स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ टू ए बी, तो तीन दुना छह दुगना करना पड़ेगा, छह दुना बारह, दो का स्क्वायर चार है एक, पांच। समझ में आया? इस तरह से करके हम लोग आगे भी बना सकते। बोलो, दो का स्क्वायर, अरे दो का स्क्वायर चार, बोलने की जरूरत है, दो का स्क्वायर चार, सात दुना चौदह, दुगना करो, दुगना करो, सात दुना चौदह दुगना अट्ठाईस, सात का स्क्वायर उनचास और दो इक्यावन। समझ में आया? दो का स्क्वायर चार, सात दुना चौदह, सात दुना चौदह टू ए भी ना है, दुगना करना होगा, चौदह का दुगना अट्ठाईस की आठ, सात का स्क्वायर उनचास और दो इक्यावन। समझ में आया सर? तो इस तरह से करके हम लोग स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी दो डेट का स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर पे बना सकते हैं। हम तीन डेट के स्क्वायर को भी बना सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि दो डेट का बनाएंगे, हम तीन डेट के स्क्वायर को भी इस पे बना सकते हैं। देखिए, बना के दिखाते हैं। देखिए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो तीन का स्क्वायर नौ, तीन का स्क्वायर नौ, बारह तिया छत्तीस, अरे बारह तिया छत्तीस दुगना बहत्तर, हासिल सात, बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस और सात, एक सौ चौवालीस और सात एक सौ इक्यावन, वन फाइव वन। समझ में आया सर? फिर से देख लो एक बार, इसको ए मानो, इसको बी मानो। तीन का स्क्वायर नौ, थ्री का स्क्वायर नाइन, ट्वेल्व थ्री जा, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, डबल करेंगे सेवेंटी टू, क्या बचा सेवन, ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर, वन फोर्टी फोर और सेवन ऐड कर दो वन फिफ्टी वन। क्या सर तीन डेट का स्क्वायर नहीं निकाल लिए? चलो इसको बनाओ, इसको ए मानो, इसको बी मानो। तीन का स्क्वायर नौ, दस दिया तीस, दुगना दुगना दुगना, तीस दुना साठ, हासिल छे, दस का स्क्वायर सौ और छ एक सौ छ। समझ पा रहे? तीन का स्क्वायर नौ, दस दिया तीस, दुगना साठ, साठ का जीरो, दस का स्क्वायर सौ और छ एक सौ छ। क्या सर इस काम को हम लोग कर पा रहे हैं? तो हम लोग दो डिजिट का स्क्वायर, तीन डिजिट का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं ए और बी के होल स्क्वायर पे। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसे होती है कि जो आसपास का वैल्यू निकालना है, आसपास का, पचास के निकट, सौ के निकट, दो सौ के निकट, ढाई सौ के निकट, तीन सौ के निकट कैसे बनाएंगे, वो भी हम लोग बना पाएंगे, वो भी हम लोग बना पाएंगे। केवल आप लोग समझना, वो भी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखिए, ये रहा, ये तो हम लोग सीख गए, अब ये हम लोग सीखेंगे। चलिए, 231 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? 231 का स्क्वायर, अब इसको समझने की बात है। यहां एक फॉर्मूला दिए, ऐसे तो तीन अंक का, तीन डिजिट का स्क्वायर का फॉर्मूला तो हम बता ही थे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो फिर 23 का स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसका तरीका, हम एक फॉर्मूला लिखे हैं कि तीन डिजिट का स्क्वायर हो तो इस तरीके से हम लोग बना जा सकते हैं।
जैसे अगर आप चाहे तो इसको ए और इसको बी मान के बना सकते हैं, इसको बी मान के बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम जो पढ़ेंगे एक बेसिक फॉर्मेट बता रहे हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले तीसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं, तीसरे नंबर का क्या करते हैं स्क्वायर, सी स्क्वायर, फिर बी, उसके बाद वाला दो नंबर लेते हैं। देखिए पैटर्न क्या है, 1 2 3 2 1 लेना है, 1 2 3 2 1। तो सबसे पहले 1, एक डिजिट सी का स्क्वायर किए, फिर दो डिजिट 2BC, फिर तीन डिजिट आएगा तो 2AC और बीच वाले का स्क्वायर, फिर लास्ट वाला छोड़ना है, फिर दो डिजिट 2AB, फिर इसको छोड़ देना है, फिर ए स्क्वायर। देखो सबसे पहले किसका स्क्वायर करना है, सी का सिंगल लाइन, सबसे पहले किसका स्क्वायर करना है, सी का सिंगल लाइन, फिर दो डिजिट लेना है, दो डिजिट लेना है तो 2BC, फिर तीनों लेना है तो 2AC और बीच वाले का स्क्वायर, फिर ये दोनों लेना है 2AB और फिर ये वाला है ए स्क्वायर। चलिए तो आइए, सबसे पहले एक का स्क्वायर, एक 2BC तो 3 एकम 3 दुगना 6, 3 एकम 3 दुगना 6। अब तीन डिट लेना, तीन डिट जैसे ही आएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 इसका दुगना 4 और बीच वाले का स्क्वायर 9, 9 4 13 की 3 हासिल 1। अब 2AB लेना है, लास्ट छोड़िए ये दोनों, 3 दुना 6 दुगना 12, 12 1 13 हासिल 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5। समझ में आया, फिर से बता रहे हैं ध्यान दो, सबसे पहले 1 का स्क्वायर, फिर इन दोनों को गुना करके दुगना करना है तो 3 दुना 6 दुगना करो 12 12 की 2 3 एकम। देखो सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, फिर 2AB लेना है तो 3 एकम 3 3 एकम 3 दुगना करना है 6। अब क्या करना है, तीनों लेना है, तीनों जैसे ही आएंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 दुगना करना है 4 और 3 का स्क्वायर 9 9 4 13 हासिल 1। अब इसको छोड़ दीजिए, अब ये दोनों लीजिए, 3 दुना 6 3 दुना 6 दुगना करेंगे 12 1 13 1 बचा, 2 का स्क्वायर 4 1 5 क्लियर। ये फॉर्मूला है सर, इसी फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ रहे हैं। एक पैट एक बार और हम आपको प्रयास करेंगे समझाने का, समझिएगा। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 2AB चाहिए, दो डिजिट चाहिए तो 3 एकम 3 दुगना करेंगे, 3 एकम 3 दुगना करेंगे 6। अब तीनों लाइन चाहिए तो इन दोनों को गुना करके दुगना कीजिए, 2 एकम 2 दुगना कीजिए 4 और बीच वाले का स्क्वायर 9 9 4 13 हासिल 1। अब इसको छोड़ देना, अब ये दोनों लेना है, 3 दुना 6 दुगना करना है, 3 दुना 6 दुगना करना है 12 12 1 13 हासिल 1। 2 का स्क्वायर, अब इसको छोड़ना है, 2 का स्क्वायर 4 1 5 क्या सर समझ गए? तो इस तरह से करके हम लोग आराम से बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फॉर्मूला पे भी लगा सकते हैं, इसको ए मान लीजिए और इसको इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, बट वहां पर 23 का स्क्वायर याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, ये जो तरीका बताया, जैसे देखो इस क्वेश्चन को बताने के लिए हमको समझाना पड़ेगा, समझिएगा। जैसे आदमी बहुत दूर हो तो किस चीज से मर्डर करेंगे, बंदूक से, थोड़ा नजदीक हो, थोड़ा नजदीक हो तलवार से, और ज्यादा नजदीक हो चाकू से, और ज्यादा नजदीक हो गला दबा दीजिए। तो समय के अनुसार डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। छोटा बच्चा है, 10 का नोट चुरा लिया, फांसी का सजा देंगे नहीं। बड़ा देखो, जहां सुई का जरूरत है वहां सुई का इस्तेमाल, जहां तलवार का जरूरत है तलवार का इस्तेमाल। मान लिया मोहल्ला वाला लड़ाई हो, अब परमाणु बम पटक बाद तो उचित है नहीं। तो कहने का मतलब है कि जैसा सिचुएशन उसके अनुसार हमको काम करना है। तो वो तो हम सिखा दिए कि नॉर्मल सब में लागू हो जाएगा, वो ऐसा तरीका है सब में लागू हो जाएगा, लेकिन ये तरीका जो हम बताने जा रहे हैं, ये जो तरीका आपको हम सिखाएंगे, यहां पे समझने का प्रयास करना, ये जो तरीका हम सिखाएंगे ये डायरेक्ट बताएंगे। समाज में जिसके पास नहीं होता है लोग उससे छीनते हैं, और जिसके पास होता है लोग उसको देते हैं पावर और पैसा। जो कमजोर है लोग उसको और तंग करते हैं, जो ताकतवर है लोग उसको और हेल्प करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड स्क्वायर है ना भाई, बोलो हाँ या ना। स्क्वायर समाज में क्या होता है, जो कमजोर है उसको और तंग करते हैं, जो हेल्प जो मजबूत है उसको लोग और हेल्प करते हैं। अगर बैंक आपसे कर्जा मांगने जाएगा आप कर्ज देंगे, ये
अगर आप बैंक से कर्ज मांगने जाइएगा तो क्या बैंक आपको कर्ज देगी? नहीं। वही अंबानी ग्रुप चला गया तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जिसके पास होता है लोग उसको और देते हैं, जिसके पास नहीं होता उसको छीनते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेच है आपका क्या स्क्वायर 96 का स्क्वायर हम लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। 96 बोलिए 100 से कम की ज्यादा, अरे 100 से कम की ज्यादा, कम कितना कम, कितना कम 100 से कितना कम बताओ, 100 से कितना कम 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और छीन लेना है, 4 और छीन लेना है 92 बन गया। बोलिए कैसे बनाएंगे, 100 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और छीन लेना है 92। क्या समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से 98 देखो, बोलो 100 से कम की ज्यादा, कम कितना कम 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 और छीन लेना है, बोलो 96 93। 100 से कितना कम बताओ, 100 से कितना कम 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 और छीन लेना है। तो कम है तो छीनना है और ज्यादा है तो देना है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस स्क्वायर। 104 बोल भाई, 104 के बारे में क्या ख्याल है, 100 से कम की ज्यादा, अरे कम की ज्यादा बताओ, बताओ तुम बता सकते हो 104, 100 से कम की ज्यादा, ज्यादा कितना ज्यादा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे देना है 108। बोल भाई बना कि नहीं बना, डायरेक्ट हम लोग आंसर दे दिए। देखो 100 से कितना ज्यादा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे दिए 108। नहीं, यहां भी देखो 99 100 से कितना कम था 1, 1 का स्क्वायर 01, 1 और छीन लिए 98। 108 100 से कम की ज्यादा, ज्यादा कितना ज्यादा 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 और दे दिए 116। देखो 8 और दिए और निरा एक और छीने, तो जितना कम है उतना और छीनते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, जितना ज्यादा है उतना और देते हैं और उसका क्या करते हैं स्क्वायर 99। 100 से एक कम था, एक का स्क्वायर 0, एक और छीन लिए 108। 100 से कितना ज्यादा था 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 और दे दिए। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो स्क्वायर निकालने का तरीका यही है। चलिए आगे हम लोग चलते, आप बताओ ये नियर अबाउट 100 नहीं, नियर अबाउट 50 है, ये नियर अबाउट क्या है 50। तो नियर अबाउट 50 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। नियर अबाउट 50 की बात करते हैं तो 47, 50 से कम की ज्यादा, अरे 50 से कम की ज्यादा, कम कितना कम, कितना कम 3, 3 का स्क्वायर 3 और छीन लीजिए 44। कंपेयर 100 से की 50 से, 50 से 50 पैसा का मतलब कितना रुपया आधा, तो 44 का आधा कर दीजिए 22, 2209। बोलिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया 2209। 50 से कितना कम था 3, 3 का स्क्वायर 09, 3 और छीन लिए 44, 44 का आधा कर लिए। यहां भी देखो वही चीज है, 50 से कितना कम है बताओ 2, 2 का स्क्वायर 4, 04 लिखे 2 और छीन लिए 46, उसका आधा कर लिए छोटू 23, 2304। कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना। बोले 50 से कितना ज्यादा बताओ, अरे कितना ज्यादा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे देंगे ना 58, उसका आधा करेंगे छोटू 29। बोले 50 से कितना ज्यादा बताओ, तुम खुद बता सकते हो बताओ, अरे कितना ज्यादा 3, 3 का स्क्वायर 3 और दे दो, 3 और दे दो ना 56, 56 का आधा 28। तो बोलिए जितना ज्यादा है उतना देते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, जितना कम है उतना छीनते हैं और उसका क्या करते हैं स्क्वायर। तो क्या आसानी से बना लिए स्क्वायर? तो दो तरीका बता, एक तो डायरेक्ट ए और बी का होल स्क्वायर पर बना सकते हैं और एक कम और ज्यादा, कम है तो छीनना है ज्यादा है तो देना है। चलिए 50 और 100 के निकट तो देख लिए, हम 150 के नजदीक देखेंगे, 150 के नजदीक बोलो ये क्या होता है कि पीछे वाला जो हम लोग डिस्कस करते हैं वही आ जा रहा है बोर्ड पे, तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। बोलिए 150 से कितना कम बताओ, कितना कम 3, 3 का स्क्वायर 3 और छीन लो। बोलिए 150 पैसा का मतलब डेढ़ रुपए, डेढ़ रुपया का मतलब 3/2, डेढ़ रुपया का मतलब 3/2, तो इसका 3/2 करेंगे, 2 से काटेंगे 3 दुना 6, 3 से 21, बोलो बोलो हो गया, कुछ नहीं है, आराम से हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? चलो बोलो 153, 150 से कम की ज्यादा,
अरे कम की ज्यादा, तीन तीन का स्क्वायर, नौ, तीन ज्यादा था, तीन और दे दिए और 156 150 का नजदीक, मतलब क्या करना होगा, 3/2 काटो, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21 और 2 = 23, तो कम है तो छीना है, ज्यादा है तो देना। देखो 150 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 4 लिख दिए, 2 और 6 लिए 146, 3/2 करके देख लीजिए, देखिए आ गया। 150 से कितना ज्यादा है बोलो, अरे कितना ज्यादा है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे दीजिए ना, और 3/2 करके बताओ, बोली 150 से कितना ज्यादा था, 4, 4 का स्क्वायर 16, तो किए 4 और दे दिए 158 और 3/2 कर लिए 237, 16, तो कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना, यही तो तरीका है आपको स्क्वायर बनाने का। चलिए कुछ नहीं है सर, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो रीप्ले करके फिर से देख सकते हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है तो रीप्ले करके देख सकते हैं। चलिए 200 के नजदीक, 200 के नजदीक हम लोग कैसे स्क्वायर निकालेंगे, 200 के नजदीक है तो 200 पैसे का मतलब कितना रुपया, 2 रुपया, बस दुगुना कर देना। बोले 197, 200 से कितना कम, बताओ बताओ 200 से कितना कम, 3, 3 का स्क्वायर, 3 और छीन लो, 3 और छीनो और इसका दुगुना कर दो, 2 × 8, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 3। चलिए बोले 196, 200 से कितना कम, 4, 200 से कितना कम, 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 और छीन लीजिए और इसका दुगुना करके बताइए, 2 × 4, 2 × 18, 2 × 1 = 3, तो आपका आंसर तो पहले से लिखा हुआ था 384, नहीं बोलो 204, 200 से कम, अब देखो कम है कि ज्यादा बताओ, 208, अरे 200 से कम है कि ज्यादा बताओ ना तुम, हाँ कम कि ज्यादा, ज्यादा, कितना ज्यादा, 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, अब 8 और दे देंगे और इसका दुगुना कर दो, 432, बोलो फटाक से आंसर दे दिए कि नहीं दे दिए, कम है तो छीनना है, ज्यादा है तो देना। बोले 204, कम की ज्यादा, अरे कम की ज्यादा, 200 से ज्यादा, कितना ज्यादा, 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे दो ना, 208, 208 का दुगुना करके बताओ, 416, देखो आंसर पहले से आपका लिखा हुआ है, तो क्या आप समझ गए स्क्वायर निकालना, तो 50 के नजदीक, 100 के नजदीक, 200 के नजदीक, ये आसपास वाला कैलकुलेशन करने का, लेकिन जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो ए और बी के होल स्क्वायर से बन सकता है। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कैसे हम लोग स्क्वायर निकालना है, 200, 250, 300 सब बन जाए। अब ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, इस पैटर्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए ये जो स्क्वायर निकालने का तरीका ना है, ये बहुत आसान है, जितने डिजिट है, कितने डिजिट है, 2, तो 1 से लेकर 2 तक लिख लिए और इसको फिर घटते क्रम में लिखना है, 1 हो गया, कितने डिजिट है, 3, तो 1 2 3, अब घटते क्रम में जाओ तो 2 1 हो गया। चलो अगला बताओ, अगला बताओ, अगला नहीं बताएगा तो फिर पढ़ना बेकार है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग इसको बना सकता है, बोलो इसको अगर नहीं बनाएगा तो पढ़ना बेकार है, बताओ कितने डिजिट है, 4, 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में 3 2 1, कितने डिजिट है, 5, 1 2 3 4 5, अब घटते क्रम में लिखना है 4 3 2 1, बन गया, बहुत आसान है सर, क्यों, इसका जरूरत कहां पड़ेगा, मान लिया 2 2 2 का होल स्क्वायर निकालना है, तो बना पाओगे कि नहीं, देखो 2 × 111 कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 111 का होल स्क्वायर, इसका तो आप लोग जानते हो क्या, 1 2 3 2 1, 3 डिजिट था ना, तो 4, 4 × 8, 4 × 3 = 12, 4 × 8 है 1 9, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 8, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 1 9, 4 × 1 = 4, पिन बन गया स्क्वायर, कुछ नहीं है सर। अगर बताओ
टू 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 का होल स्क्वायर कहते हैं, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो टू इंटू वन 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 वन, तो टू का स्क्वायर फोर, वन टू थ्री, फोर थ्री टू वन, बोल भाई। चार, चार दुना आठ, चार तिया बारह, चार चौके सोलह, एक सत्रह, चार तिया बारह एक तेरह, चार दुना आठ है एक नौ, चार एक चार, हो तो गया। तो कुछ नहीं है सर, बहुत जरूरत है इसका, धीरे 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 करके हम लोग सीखते जाएंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वन वन बाई। आप लोग फाउंडेशन कोर्स में पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन यानी बेसिक कोर्स है, इसमें बेस से पूरा पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट। ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ा के हम लोग भगा देंगे। चलिए अब बताते हैं, ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। 25 का स्क्वायर निकल रहा है, यूनिट पे 5 है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और ये 2 जो है इसको एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, क्या लिख दीजिए 6। बोलिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, जो भी डिजिट यहां दिया हुआ है उसको एक बढ़ा के गुना कीजिए, 4 को एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे 5, तो 4 5 20, हो तो गया। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, जो डिजिट दिया हुआ है उसको एक बढ़ा के गुना करो, एक बढ़ा के 3 दूना 6, 5 का स्क्वायर 25, एक बढ़ा के गुना करो 4 के 4 5 20। चलो इसी तरह से एक और होगा, बनाओ, बोलो बोलो बनेगा बताओ। अगर ये नहीं बना पाओगे तो पढ़ना बेकार है ना, है बताओ। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, चलिए 11 है ना, एक बढ़ा के गुना करो, 12 दहे 120 और 12 132, 5 का स्क्वायर 25, इसको एक बढ़ा के गुना करो, 12 गुना 13, 12 बारह 144 और 12 156, 15 625। तो बहुत आसान है सर, केवल हम लोग छोटा छोटा टेक्निक सीख रहे हैं, छोटा छोटा, कैसे स्क्वायर निकालना है, कैसे क्यूब निकालना। चलिए अभी तो हम लोग स्क्वायर ही चल रहे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो अब आगे हम लोग स्क्वायर रूट भी पढ़ेंगे। स्क्वायर तो हम लोग सीख लिए, तो क्या आप लोग को समझ में आया स्क्वायर निकालना, हाँ या नहीं बताओ। अगर आप लोग स्क्वायर निकालना सीख गए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, धीरे धीरे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक ही होता जाएगा। तो हम लोग स्क्वायर तो सीख गए, अब एक छोटा सा चीज आपका बचा हुआ है स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ ही स्क्वायर रूट हम लोग सिखा देते हैं। क्या देखने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो? अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आप टाइम नहीं दोगे सर, अगर आप अपने लिए नहीं सोचोगे तो रिजल्ट कैसे होगा? आपको अपने लिए सोचना है, अपने फैमिली के लिए सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, सोचना है कि जो गार्जियन आपके लिए इतना किया है तो क्या आपका कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है सर। ये कोरोना काल ऐसा सबको सिखाया है कि पढ़ना तो बहुत जरूरी है, नौकरी तो चाहिए ही चाहिए, और आपके गार्जियन कहते होंगे, आप उनकी बात को इग्नोर करते हैं, केवल लगने की जरूरत है सर। जो गलती हो गई है वो अब गलती दोहराना नहीं है, रिजल्ट लेना है, रिजल्ट लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम लोग स्क्वायर रूट सीख रहे हैं। हाँ, ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक छोटा सा बात याद करना होगा स्क्वायर का। देखो बताओ, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब पेयर बनाइए, 9 1 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10 और बीच में 5। तो यहां समझने का प्रयास करो, 9 1 10, 6 4 10, 7 3 10, तो हमको 10 लाना है। तो देखिए यूनिट प्लेस पे अगर एक आ रहा है तो एक कब कब आ रहा है, एक वाले में और नौ वाले में? यूनिट प्लेस पे चार कब कब आ रहा है, दो वाले में और आठ वाले में? यूनिट प्लेस पे नौ कब कब आ रहा है, तीन वाले में और सात वाले में? छह कब कब आ रहा है, चार वाले में और छह वाले में? बीच में क्या आ रहा है, पांच। यूनिट प्लेस पे देखो, एक कब कब आ रहा है, एक और नौ वाले में, चार कब कब आ रहा है, दो और आठ वाले में, नौ कब कब आ रहा है, तीन और सात वाले में, छह कब कब आ रहा है, चार और छह वाले में? बीच में क्या आ रहा है, पांच। तो चलिए यहां पी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अंदर में दो पीस तो बाहर में एक पीस,
तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? यहां सबसे पहले पीछे से दो अंक लेंगे। कितना अंक लेंगे? दो अंक। क्यों? क्योंकि यहां क्या छिपा हुआ है? दो। अब चार बताओ कब कब आता है? चार कब कब आता है? दो वाले में और आठ वाले में। यहां पीछे से दो अंक लेंगे, चार बताओ कब कब आता है? दो का स्क्वायर चार या आठ का स्क्वायर चौसठ, या तो दो वाले में या आठ वाले में। बच क्या गया? तेईस। तेईस किसके किसके स्क्वायर के बीच में बताओ? पांच का स्क्वायर, चार का स्क्वायर और पांच के स्क्वायर के बीच में। यहां इसको हम मिटाते हैं पहले। देखो तेईस किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? चार का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर। तो कम वाला लिख देना है। क्या लिख देना है? कम वाला लिख दिए। अब बताओ चार का स्क्वायर सोलह, पांच का स्क्वायर पच्चीस। नजदीक किधर से? पहले वाले के नजदीक है कि बाद वाले के? ये इधर से नजदीक पड़ता है कि इधर से बताओ? पहले वाले से कि बाद वाले से? बाद वाले से। तो आंसर बाद वाला। देखो फिर से बता रहा हूं, देखो पीछे से दो अंक लेंगे, यहां पे चार है। चार कब कब आता है देख के बताओ? या तो दो वाले में या आठ वाले में। बच क्या गया छोटू? तेईस। तेईस किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? चार और पांच, चार और पांच। तो कम वाला कौन है? चार और पांच कम वाला कौन है? चार का स्क्वायर सोलह, पांच का स्क्वायर पच्चीस। नजदीक किधर से? पहले से कि बाद से? तो बाद से। तो आंसर क्या? बाद वाला। क्लियर? ठीक है। अब देखिए अब इसका देख, पीछे से कितना अंक लेंगे? दो अंक। चार कब कब आता है? दो वाले में और आठ वाले में। 116 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। कम वाला लिख दीजिए। कम वाला कौन है? 10। यहां तक तो सही है। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। बोलो ये 116 किधर से नजदीक पड़ रहा है? पहले से कि बाद से? अरे पहले से कि बाद से। तो आंसर बाद वाला। समझ में आया? तो फिर से एक बार समझ लो, पीछे से कितना अंक लिए? दो अंक। चार कब कब आएगा बताओ? दो वाले में और आठ वाले में। बच क्या गया? 116। 116 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? 10 और 11। कम वाला कौन है छोटू? 10। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। नजदीक पहले वाले से कि बाद वाले से? अरे पहले से नजदीक पड़ता है कि बाद से? तो बाद वाला आंसर ना। तो हम लोग स्क्वायर निकालना सीख गए। अगर ये नहीं सीख पाए हो तो एक बार फिर से रिप्ले करके देखोगे तो सीख जाओगे। तो हम लोगों ने अभी छोटा सा चीज पढ़ा, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। इसी तरह से धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे, आगे आपको और भी चीज बताएंगे। केवल आप लोग बने रहिएगा। आज एक क्लास हुआ, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको करतार कोचिंग की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से भी कि आपने पूरा सेशन किया। और ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। केवल आपको पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।